पाकिस्तान में पता नहीं क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री से देश नहीं संभल रहा तो वहीं पूर्व प्रधानमंत्री देश को चैन से नहीं जीने दे रहे। बची खुची कसर पाकिस्तान की सेना पूरी कर रही है। आपको बता दें कि भारत का पड़ोसी पाकिस्तान इस वक्त दोहरे संकट का सामना कर रहा है, जहां एक तरफ आर्थिक हालात बद से बदतर हो चुके हैं तो वहीं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के मामले में भी दुनिया भर में थू थू हो रही है। पाकिस्तानी जनता दाने दाने को तरस रही है, पाई पाई के लिए उसे IMF और दुनिया के अन्य देशों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। इन तमाम संकटों के बीच हाथों में गोले बारूद पकड़ने वाली पाकिस्तानी सेना अब बॉर्डर छोड़कर खेतों में जाने का फैसला कर चुकी है। जी हाँ, आपने सही सुना, पाकिस्तानी सेना अब खेती करने का फैसला कर चुकी है। पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने सेना को 45,000 एकड़ जमीन दी है, जिसमें वो कॉरपोरेट एग्रीकल्चर फार्मिंग करेगी। बता दें कि पाकिस्तानी सेना दुनिया भर में कई बार बदनामी करवा चुकी है, साथ ही अतीत में भारत के हाथों भी उसे हार का सामना करना पड़ा है। और अब ऐसे में ये कहा जाए कि पाकिस्तानी सेना किसी काम की नहीं रही तो उससे कुछ और ही काम करा लिया जाए। अब पाकिस्तानी सेना को खेती करने के लिए इजाजत दे दी गई है ताकि वो फसलों की पैदावार को बढ़ा सके। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सरकार और पंजाब सरकार के बीच संयुक्त वेंचर पर 8 मार्च को हस्ताक्षर हुआ। इस समझौते के तुरंत बाद राज्य सरकार को सरकारी जमीन को पाकिस्तानी सेना के हवाले करना पड़ गया। खबरों के मुताबिक ये समझौता पंजाब सरकार, सेना और प्राइवेट कंपनियों के बीच हुआ है। दावा किया गया है कि इस डील से पाकिस्तानी सेना को कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन हकीकत में कमाई का केवल 40% पैसा ही पंजाब सरकार के पास जाएगा। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पंजाब सरकार जहां जमीन मुहैया कराएगी, वहीं सेना अपने संसाधन का इस्तेमाल करेगी और पूरे प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट उसके हाथ में होगा। वहीं निजी सेक्टर इस प्रोजेक्ट में निवेश करेगा और उर्वरक भी मुहैया कराएगा। पाकिस्तानी सेना ने इस घटनाक्रम की पुष्टि की है और दावा किया कि इस जमीन का मालिकाना हक वो नहीं लेने जा रही। दावा ये भी किया जा रहा है कि सेना केवल प्रशासनिक स्ट्रक्चर मुहैया कराएगी। उन्होंने कहा कि ये जमीन ज्यादातर खाली पड़ी है और उस पर कोई फसल या तो होती नहीं या फिर बहुत कम उपज होती है। इस पूरे प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट सेना के रिटायर अधिकारी और पाकिस्तानी सेना करेगी। पाकिस्तानी सेना के हवाले से दावा किया जा रहा है कि कृषि सेक्टर की ग्रोथ लगातार गिर रही है, इसकी वजह सुधारों में खामियां और अप्रभावी कृषि नीतियां हैं। लेकिन पाकिस्तानी सेना चाहे जो दावा करे, लेकिन हकीकत ये है कि वो 100 से ज्यादा उद्योग चलाकर जमकर पैसा बना रही है। पाकिस्तानी सेना देश में तेल से लेकर खाद तक बेच रही है। इसके अलावा सेना सीमेंट, बिजली, शिक्षा, चीनी मिल और अस्पताल तक चलाती है। पाकिस्तानी सेना के देश के अंदर और बाहर करीब 100 अरब डॉलर से ज्यादा का कारोबार है। वहीं पाकिस्तान की सालाना GDP मात्र 12 अरब डॉलर के आसपास है। इस तरह से पाकिस्तान की कुल GDP का 8 गुने से ज्यादा का कारोबार पाकिस्तानी सेना करती है। तो ऐसे में आम जनता क्या करेगी, भूखी न मरे तो क्या करे, क्योंकि सारा पैसा तो पाकिस्तानी सेना हड़प रही है, वहां के राजनेता मौज ले रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तानी आवाम भूखों मरने को मजबूर है। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।